कौन से मॉडल से फाइनेंस हो रहा है? हमारे वहाँ से 13 के बाद से फाइनेंस होता है, 13 14 के बाद आपको फाइनेंस हो जाएगा। ठीक है, क्या डिमांड भैया इसकी रख रहे हैं? इसकी डिमांड हमारी 5,90,000 रुपये है। नमस्कार दोस्तों, एएस ब्लॉग्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोहित शशांक। तो दोस्तों, आप लोग के लिए कोशिश कर रहे हैं नए नए शहर जोड़े, नए नए शहर की डीलरशिप दिखाएं। बहुत सारे लोग गोरखपुर के हमारे भाई हमारे चैनल पे हैं, बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि गोरखपुर में आइए, वेलकम करिए, किसी डीलरशिप पे एक्सप्लोर करिए। तो गोरखपुर में हम आ गए हैं, जिस जगह खड़े हुए हैं उस जगह का नाम है मेगा कार बाज़ार, और यहाँ का मेगा कलेक्शन दिखाएंगे। पीछे साइड देखेंगे तो MUV सेगमेंट भी है, SUV भी है, इधर देखेंगे कॉम्पैक्ट SUV है, उधर हैचबैक है, कॉम्पैक्ट SUV उधर भी है, सेडान है, हैचबैक है, सारा कलेक्शन दिखाएंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर हिट करिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और यहां के रिप्रेजेंटेटिव को बुला लेते हैं। लेकिन उससे पहले वो नाम जिन्होंने हमारे वीडियोस पे बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए वो डिस्प्ले पे ये रहे। भैया वेलकम टू एस ब्लॉक्स, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया भैया। हमारे भाइयों को अपना शुभ नाम बताइए और किस जगह हम खड़े हुए हैं, कार बाज़ार कौन सा है ये भी बताइए। ये मेरा नाम नीरू सिंह है। ओके। ये मेगा कार बाज़ार है, ये गोरखपुर में आपका देवरिया बाईपास तिराहे के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये NH 28 पे है, मेन रोड पे, और नियर हमारे जस्ट बगल में अमर उजाला का ऑफिस है। तो आज क्या कलेक्शन दिखाएंगे हम लोग? आज मैं आपको हमने बोल ही दिया है, बोलेरो भी रहेगी जी जी, MUV सेगमेंट में इनोवा भी रहेगी, कॉम्पैक्ट SUV दो दो लगी हुई है, हैचबैक की गाड़ियां मैं दिखाऊंगा। ठीक है, छोटी हैचबैक से लगा है तो आपको SUV सारी गाड़ियां मैं दिखाऊंगा। तो सारी गाड़ियां दिखाएंगे। सबसे पहले दिलों की धड़कन गांव साइड देहात की बोलेरो सबसे पहली पसंद है, तो इसी पे आ जाते हैं। भैया इस बोलेरो की डिटेल दे दीजिए, कौन सा मॉडल है, कौन सी ओनरशिप है, कितना ड्रिवन है, इसकी डिटेल दे दीजिए। ये बोलेरो 2015 मॉडल की बोलेरो है, मॉडल SLX है, टॉप मॉडल है। SLX जी 2015 मॉडल। ZLX टॉप एंड था उस समय? नहीं, ZLX टॉप थी, SLX सेकंड टॉप। सेकंड टॉप है जी। ठीक है, तो सेकंड टॉप है, गाड़ी वेल मेंटेन है, किसी तरीके से भैया एक्सीडेंटल में तो डील नहीं करते हैं? नहीं, एक्सीडेंटल डील नहीं करते। फर्स्ट ओनर है जी, फर्स्ट ओनर गाड़ी। कितना ड्रिवन है ये? ये चली हुई है आपकी 86,000 किलोमीटर। 86,000 जी। अपने पास जितनी भी गाड़ियां हैं कोई भी एक्सीडेंटल में तो ये डील नहीं होती? ये गाड़ी जिस कंडीशन में खड़ी हुई है जी, कोई पीस अभी पेंट हुआ है? कोई पार्ट बम्पर वम्पर जो भी काम हुए वो कंपनी में हुए हैं, जीरो डेप्थ में ही काम। ठीक है, मतलब आप लोग यहाँ आएंगे तो नॉलेज बता दिया जाएगा कि इसका बम्पर पेंट है या आपका साइड रनिंग। मैं क्लियर बताऊंगा, रनिंग जो भी पार्ट इसके होंगे वो मैं आपको बताऊंगा, बता देंगे। बाकी आपने कितना चली बताया भैया इसको? 86,000 किलोमीटर चली है। 86,000 बोलेरो जैसी गाड़ी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया गाड़ी है, वेल मेंटेन बोलेरो खड़ी हुई है। क्या डिमांड भैया इसकी रख रहे हैं? इसकी डिमांड हमारी 5,90,000 रुपये है। नेगोशिएबल थोड़ा बहुत? जी, अवेलेबल जब बैठेंगे तो हम लोग नेगोशिएबल करेंगे, थोड़ा बहुत नेगोशिएट करेंगे, हमारा भी सम्मान रखेंगे। आप लोग को अच्छे से यहाँ पर आइए, असिस्ट करेंगे। बहुत सारा कलेक्शन है इस साइड, बहुत लंबा चौड़ा कलेक्शन है, आपको पूरा दिखाएंगे अच्छे से। भैया इस गाड़ी की भी चाहने वाले बहुत हैं, सड़कों की शान है ये। MUV कैटेगरी की बहुत बढ़िया टोयोटा की गाड़ी इनोवा खड़ी हुई है, इसकी भी भैया डिटेल दे दीजिए, कौन सा मॉडल है? 2015 की गाड़ी है, 76,000 किलोमीटर चली है, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है। 2015 76,000 चली हुई, बीमा आपने बोला ये कॉम्प्रिहेंसिव है, फर्स्ट पार्टी या थर्ड पार्टी? फर्स्ट पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी बीमा मिल रहा है, मतलब आपको पूरी गाड़ी कवर होगी, है ना भैया? ऐसी कंडीशन में है। अब ये कितना चली बताया आपने? ये आपकी 76,000। अब इनोवा के लिए तो यानी एक तरीके से अभी रमा भी नहीं हुई, 1,00,000 पे तो रमा होती है। टोयोटा जैसी गाड़ी, टोयोटा का एक अलग कैटेगरी की गाड़ी है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। आप टायर भी देखिए, एलॉय लगे हुए हैं, 2.4 है या 2.5 है या 2.2 है, आपको वो भी दिखा देते हैं। अच्छे कंडीशन में 2.5G है। अब ये गाड़ी अच्छे कंडीशन में है, अंदर से बाहर आप लोग को दिखा रहे हैं, टायर पीछे साइड के भी देख लीजिएगा, अच्छी कंडीशन में है। आप लोग को जो भी गाड़ी मिलेगी वो वेल मेंटेन मिलेगी। भैया ये गाड़ी 7 सीटर है जी? 7 सीटर, ये कैप्टन सीट है जी। ठीक है, 7 सीट है, भैया ने कहा कैप्टन सीट, मतलब पीछे भी आपको कैप्टन, जैसे आगे बैठते हैं पायलट को पायलट वैसे ही पीछे बैठेंगे। थर्ड रो आपको 3 पैसेंजर के लिए मिलेगी। भैया पूरी डिटेल हमने दे दी,
गाड़ी की क्या आस्किंग है? ये हमारी इसकी डिमांड 8,20,000 रुपये है। 8,20,000? जी जी। ओके, 8,20,000, थोड़ा बहुत नेगोशिएट करेंगे, सम्मान रखेंगे और इधर आएंगे भैया। अब थोड़ा सा दूर से देखेंगे तो भैया की हेल्थ देखिए, पीछे देखेंगे तो लग रहा है जिम विम जा रहे हैं, है ना भैया? जिम भी है, थोड़ा बहुत हंसी मजाक होता रहेगा। भैया इसकी भी डिटेल दे दीजिए, डस्टर है, कॉम्पैक्ट एसयूवी को इसने शुरू किया था ट्रेंड। जी जी। अब इसकी भी डिटेल दे दीजिए। ये 2016 की डस्टर है, स्पेशल एडिशन उस समय निकली हुई थी, एक्सप्लोरर का भी आती थी। ओके। ये आपकी 76,000 किलोमीटर चली हुई है, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है। अब ये आपने भैया स्पेशल एडिशन कहा, ये कंपनी से ही है कि पार्टी ने कराया? कंपनी से। तो मतलब पूरी गाड़ी स्टॉक है? ग्राफिक्स लगा के देते थे वो। ओके, तो ग्राफिक्स लगा के देते थे और आप देख भी रहे होंगे एक्सप्लोरर लिखा हुआ है, अच्छी कंडीशन में है, पहाड़ों पे तो भैया बिल्कुल दमदार गाड़ी है, है ना भैया? और कॉम्पैक्ट एसयूवी है। टायर भैया अभी कुछ चेंज हुए हैं? टायर 90% टायर है, अभी टायर के चेंज हो गए, नया टायर लगा। ओके, मतलब नया टायर लगा हुआ है। पार्टी जो लेगी वो शान से चलाएगी, कुछ कराना नहीं है? नहीं कुछ नहीं कराना, बट डीजल डलाना पड़ेगा। डीजल डलाना है, डीजल डलाना है, डीजल डलाइए। डीजल पे भैया आपने कहा ही, हम थोड़ा सा माइलेज भी पूछ ले, डस्टर जैसी गाड़ी क्या माइलेज देती है? 16-17 लॉन्ग रूट पे जाएंगे 18 भी देती है। अच्छा, बाकी आपके ड्राइविंग प्लेजर पे है। जी जी। क्या आस्किंग रख रहे हैं इसकी? इसकी आस्किंग 580 की है। 580? जी जी। फर्स्ट ओनर 2016 मॉडल। आगे बढ़ते हैं, अपने पास हर तरीके की गाड़ियाँ अवेलेबल रहती हैं, जब भी आएंगे आपको हमेशा हैचबैक, सेडान, कॉम्पैक्ट एसयूवी लगी रहेगी। भैया जिसको भी स्विफ्ट नहीं चाहिए, स्विफ्ट वही इंजन चाहिए, स्विफ्ट जैसा मेंटेनेंस चाहिए, मतलब लो मेंटेनेंस गाड़ी चाहिए, उसके लिए बेस्ट गाड़ी खड़ी है मारुति की रिट्ज़। जी, डीजल में। डीजल में बहुत बढ़िया है, डीजल में हैचबैक है, बहुत सारे लोग का स्विफ्ट बजट नहीं होता है, उनके लिए बढ़िया ऑप्शन होता है ना भैया? जी। इसकी भी डिटेल दीजिए, कौन सा मॉडल है? ये 2011 मॉडल की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, बीमा फुल है। जी। कितना चली होगी ये? चली है आपकी करीब 70,000-71,000 के आसपास चली हुई। 70,000? जी जी। कितने पीस इसके पेंट हुए होंगे? इसके लगभग समझ लीजिए कि बम्पर और फेंडर, क्वार्टर पैनल, ये सब हुआ है? ये सब चीज़ें हुई। रूफ नहीं हुआ है? नहीं, रूफ नहीं हुआ है। ठीक है, तो छत नहीं हुआ है, गाड़ी अच्छी है और पेंट का कंडीशन भी अच्छा है, आपको इसमें फॉग लाइट भी मिल जाती है, अच्छे कंडीशन में गाड़ी है। अब गाड़ी आप लोग पूरी देख रहे होंगे, थोड़ा सा रैली निकल रही है तो थोड़ा सा शोर होगा। अब भैया हमने सारी डिटेल दे दी, फाइनल प्यारी सी आस्किंग बताइएगा इसकी। 2,25,000 रुपये हमारी डिमांड है। हाँ, और बैठने पे आपको जो है अवेलेबल कर देंगे थोड़ा बहुत। अब बैठने पे गुंजाइश हो जाएगी, आप लोग ये मत सोचिए कि नेगोशिएट नहीं करेंगे, आप लोग चैनल का रेफरेंस भी दीजिएगा, भैया हमारा सम्मान रखेंगे ज़रूर। भैया अपने पास इको स्पोर्ट फोर्ड की दमदार गाड़ी खड़ी हुई है, इसकी भी डिटेल दे दीजिए। ये 2016 की ट्रेंड है, ये प्लैटिनम से सेकंड टॉप गाड़ी है। सेकंड टॉप है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, ठीक है, बीच का है। ये आपकी गाड़ी हमारी केवल 60,000 किलोमीटर चली हुई है, मात्र 60,000। जी, फर्स्ट ओनर की गाड़ी है, 2000 बीमा फुल है, 2016 मॉडल की गाड़ी। ये भी बीमा आपने बोला फुल है, फर्स्ट बीमा की गाड़ी का मेरे पास नहीं होगा, मैं बीमा फुल करके आपको दूंगा, उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे, कोई चार्ज नहीं, मतलब आपको बीमा कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, सिक्योरिटी नंबर, बीमा, सारी चीजें मैं आपको कंप्लीट करके, मैं जो भी गाड़ी दूंगा वो कंप्लीट करके दूंगा, मतलब फाइनल डील जितने की भी होगी उसमें कुछ भी आपको नहीं कराना है, ट्रांसफर खाली देना है, ट्रांसफर का पैसा क्यों, ठीक है, मतलब ट्रांसफर का देना है, आपको इंश्योरेंस एक्स्ट्रा में मिल रहा है, आपको कराने की जरूरत नहीं है, जो भी डील फाइनल होगी उसमें आपको कुछ भी कराना नहीं, बस अपने नाम ट्रांसफर करा के ले जाना है। अब भैया आपने ट्रेंड बताया, कितनी चली हुई है ये गाड़ी? ये चली हुई मेरी 60,000 की। 60,000। फर्स्ट ही ओनर है? जी, फर्स्ट। 2016 की है ये। 16 की है, अच्छी गाड़ी है, फॉग लाइट वॉक लाइट सब लगी हुई है, एयरबैग इसमें अवेलेबल रहता है, अच्छी कंडीशन में गाड़ी है, आपने पूरी अंदर से बाहर देख लिया, मेगा कार बाजार में खड़े हुए। भैया फाइनल प्राइसिंग क्या रहेगी? 5,80,000 रुपये। 5,80,000? ठीक है, 5,80,000 है, थोड़ा सा नेगोशिएबल अच्छा सा हो जाएगा छोटा मोटा रिगार्ड। अपने पास भैया सेडान आ गई होंडा की, जिसको भी होंडा की सेडान चाहिए, ब्रियो नहीं पसंद है, अमेज चाहता है, तो अमेज का रिफाइनमेंट अलग है और डिज़ायर को अच्छे से टक्कर देती है माइलेज में भी। भैया इसकी डिटेल दे दीजिए। ये 2017 मॉडल की गाड़ी है, सेकंड टॉप है, ठीक है, के स्टेरिंग में कंट्रोलर म्यूजिक सिस्टम है, सारी चीज़ें हैं जो कंपनी देती है, ठीक है, टॉप एंड वेरिएंट है? जी, टॉप से, टॉप से सेकंड है, ठीक है, अंदर से कंडीशन अच्छी है, टायर वायर भी देख लीजिए। ये कितना चली होगी भैया? 62,000 किलोमीटर चली है, ये सेकंड ओनर की गाड़ी है। सेकंड ओनर है, टेस्ट कैसा है, चलने में कैसी है? चलने में बहुत स्मूथ है, अंदर से बाहर से आप देख लीजिए गाड़ी कैसी है। भैया ये सीट कवर जो है ये कंपनी फिटेड है? जी, कंपनी, पूरी गाड़ी स्टॉक है। जी, अभी इसके बम्पर पेंट हुए हैं?
जिसके बम्पर पेंट हुआ। ठीक है, बाकी कोई एक्सीडेंटल में भैया डील नहीं होती, जो भी पेंट होते हैं वो सारी कंपनी हमारे जीरो डेट बीमा, 17 की 17 मॉडल गाड़ी है, सारे जीरो डेट बीमा में है, वो सारी वो कंपनी में ही पेंट हुए, कोई बाहर गाड़ी पेंट हुई नहीं है। ठीक है, कोई गाड़ी बाहर पेंट नहीं हुई है, अच्छी बात है। और भैया अपने पास कोई मीटर टेम्परिंग तो नहीं होती, मीटर को डाउन तो नहीं किया जाता है? आप चेक करा लो, आपको पूरे गाड़ी से संतुष्ट हो, सेटिस्फाई हो लो, उसके बाद मेरे वहाँ से गाड़ी लेके, उसके बाद लीजिए, पहले संतुष्ट होइए। ऐसी कंडीशन की गाड़ियाँ हैं होंडा में, इसकी भैया पूरी डिटेल दीजिए। 2017 की 17 है, सेकंड ओनर है, 62,000 किलोमीटर चली है। ठीक है, क्या डिमांड कर रहे हैं ये इस गाड़ी की? डिमांड में 5.5 लाख, 5,50,000 है, थोड़ा बहुत नेगोशिएबल प्राइस है। अपने पास भैया बहुत सारे लोग मारुति जैसा रिलायबल इंजन और के सीरीज वाला इंजन ढूंढता है, अपने पास वो गाड़ी भी खड़ी हुई है, वैगन आर है भैया, इसकी भी डिटेल दीजिए, कौन सा मॉडल? 2015 की गाड़ी है, 42,000 किलोमीटर हमारी चली हुई है, 2014 की गाड़ी है। ठीक है, 2015 है, फर्स्ट ओनर है, 42,000 चली हुई है। ये जो आपने कहा भैया 42,000 जी पक्का है, मतलब जी जी जी, आप लोग भी चेक कराते हैं? जी, कोई डाउट नहीं। ठीक है, आप लोग अंदर से भी गाड़ी देख लीजिए कैसी है, सीट कवर भी बिल्कुल बढ़िया मेंट कंडीशन में है, VXI है, टॉप एंड वेरिएंट है, पावर विंडो सब मिलेगा ही, पावर स्टेयरिंग होगा, अच्छी कंडीशन में है, एयरबैग उस समय आता नहीं था। ये जो भैया इसमें ग्राफिक्स लगे हुए हैं कंपनी के, बाहर से हैं? ठीक है, बाहर से हैं, लुक को इन्हांस कर रही है, गाड़ी बहुत अच्छी है, रूफ रेल का साथ है, पेंट कंडीशन भैया बम्पर हुए हैं इसके? जी बम्पर, बाकी सब कुछ ओके है। ये टायर एक बार चेंज हुए अगले टायर एक बार नहीं, वो टायर जो है एक बार फट गया था वो कहीं, अच्छा तो बदला गया, तो वो चेंज हुए। ठीक है, मतलब अभी गाड़ी ऐसी है कि बस फ्यूल डलाइए लेके चलाइए, इसका तो माइलेज भी बहुत अच्छा है। जी जी, क्या डिमांड इसकी रख रहे हैं? इसकी डिमांड भाई 3,25,000 रुपये है। 3,25,000 2015 प्योर पेट्रोल है? जी जी जी। ठीक है, प्योर पेट्रोल है, सारी गाड़ियाँ आपको दिखा दी। आइए भैया हम लोग टहलते हुए थोड़ा सा डिटेल देते हैं कि अपने पास फाइनेंस की क्या फैसिलिटी है, फाइनेंस कहाँ कहाँ के लिए हो रहा है ये बताइए, कौन से मॉडल से फाइनेंस हो रहा है? हमारे वहाँ से 13 के बाद से फाइनेंस होता है, 13-14 के बाद आपको फाइनेंस हो जाएगा। ठीक है, 2013 की, 12 की गाड़ी मैं नहीं कर पाऊंगा, 13 की गाड़ी से मैं फाइनेंस होगा, हमारा मैगमा से और SDB और सारी कंपनियों से लगभग DSA है हमारा। ठीक है, जो हमारे वहाँ से फाइनेंस, लेकिन हमने पूरे मंडल में ही मैं आपको करूँगा, देवरिया, पड़ौना, गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, मऊ तक मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये एरिया कवर करेंगे, उधर साइड का पूर्वांचल का नहीं करेंगे? पूर्वांचल का मैं नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल दे दी, आप लोग कॉल करिए, भैया असिस्ट करेंगे अपना। भैया कॉल टाइमिंग किस समय हमारे भाई कॉल करें तो हम लोग अच्छे से बता पाएंगे डिटेल? 10 से 6 के बीच आप फोन करें तो मैं सारी चीज़ें डिटेल बता दूंगा। तो सुबह 10 से शाम 6 के बीच में आप कॉल करिए, मेगा कार बाजार में हम खड़े हुए थे, ऐसे ही आपको अच्छा अच्छा कलेक्शन आगे भी अपडेट करते रहेंगे। भैया मिलते हैं ऐसे कुछ दमदार कलेक्शन के साथ फिर कभी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको यूं ही मिलती रहे। तब तक लिए कोरोना सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।